दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख सकते हो, मन की बात का 84वां एपिसोड। मोदी जी ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को श्रद्धांजलि दी और वंदे मातरम गाते हुए ग्रीस के बच्चों को वीडियो भी दिखाया। इस वक्त की दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है, 185 करोड़ रुपए, इत्र कारोबारी का जवाब सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए सरकारी अफसर। आइए जानते हैं इन सभी खबरों के बारे में सिर्फ 2 मिनट में, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों को व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू जरूर शेयर करें। तो दोस्तों रविवार को पीएम मोदी ने साल 2021 का आखिरी मन की बात की, इसमें उन्होंने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह से लेकर ग्रीस के बच्चों द्वारा गाए गए वंदे मातरम का भी जिक्र किया। इस बीच उन्होंने एक संस्थान का भी जमकर तारीफ किया। उन्होंने कहा कि प्राचीन ग्रंथों और सांस्कृतिक मूल्यों को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने का एक कोशिश जारी किया गया। जो संस्था उसके लिए लगातार काम कर रही है उसका नाम पुणे की भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके बारे में हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर की। 185 करोड़ रुपए मिलने के बाद कानपुर के रहने वाले इत्र कारोबारी पीयूष जैन ने अभी तक किसी का नाम नहीं कबूला है। पूछताछ में अफसरों ने कहा कि यह पैसा उसी का है जिसे पुश्तैनी सोना बेचकर जमा किया गया था। सोना क्यों बेचा, किसे बेचा, कितने का बेचा, इन सवालों का जवाब अभी तक पीयूष जैन ने नहीं दिया है। दावों की सच्चाई जानने के लिए जांच अफसर कन्नौज स्थित उनके घर की तिजोरी और दीवारों को तोड़ने में लगे हुए हैं। पीयूष ने डीजीआई अफसरों से पूछताछ के बाद भी कुछ नहीं उगला। पीयूष ने अफसरों से कहा है कि या उसके पैसे हैं, चाहे तो इनकम टैक्स काट लें और बाकी लौटा दें। डीजीआई ने पूछा इतना पैसा कहां से आया, तो जवाब में पीयूष जैन ने कहा कि पुश्तैनी 40 किलो सोना था जिसे बेच दिया गया था। यह सुनते ही अफसरों की हंसी छूट गई। इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओमिक्रॉन को देखते हुए बाजारों में मास्क नहीं पहनने पर सामान न देने का व्यापारियों द्वारा एक जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। ओमिक्रॉन को देखते हुए बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं का संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जा रहा है। बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान नहीं देगा। तो आप हमें इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।